सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आप अगली वीडियो घंटा न मिस कर पाए। तो भाई यार चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि भाई यार टिकट काउंटर से लिया गया हुआ वेटिंग टिकट लेकर हम ट्रैवल कर सकते हैं लेकिन हम ऑनलाइन की ई वेटिंग टिकट लेकर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों है भाई? ऑनलाइन की ई वेटिंग टिकट हमारी वैलिड क्यों नहीं रहती है? आज की इस वीडियो में हम जानते हैं लेकिन मैं आपको बता दूं ना, यह तभी जान पाएंगे जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। यदि लास्ट तक नहीं देखेंगे ना तो फिर आप यही बोलेंगे। चल खैर छोड़िए, चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए हम समझते हैं ना। देखिए भाई, यदि हम टिकट काउंटर से वेटिंग टिकट लेते हैं और चार्ट प्रिपेयर होने के बाद में भी कंफर्म नहीं होता है तो तब पर भी हम वह वेटिंग लिस्ट टिकट लेकर ट्रेवल कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम ऑनलाइन की ही वेटिंग टिकट यदि बुक करते हैं और वह चार्ट प्रिपेयर हो जाता है और चार्ट प्रिपेयर होने के बाद में भी हमारी ई वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होती है तो हम ट्रेवल नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम यह समझते हैं कि भाई देखिए टिकट के प्रिंट के बारे में समझते हैं ना। देखिए भाई, यदि हम टिकट काउंटर से टिकट को लेते हैं तो हमारा कुछ इस टाइप में होता है और यदि मान लीजिए कि हम यहाँ पर ऑनलाइन ई वेटिंग टिकट को बुक करते हैं तो हमारा कुछ इस टाइप का होता है। अब देखिए क्या होता है कि जब टिकट काउंटर से आप वेटिंग लिस्ट टिकट लेते हैं तो आप इसे जो है प्रिंट करवा के या जेरोक्स करवा के नहीं ले जा सकते हैं तो ये वैलिड नहीं रहेगा। अब मान लीजिए, अब भाई ये वाला टिकट है तो ये तो पहले से ही जेरोक्स रहता है या पहले से ही प्रिंट रहता है तो आप यदि इसे ले जाएंगे तो भाई यार कैसे पता चलेगा? मान लीजिए आप इसे ले जाते हैं तो इसमें तो यह भी हो सकता है कि भाई आप इस वेटिंग टिकट को यहां पर तो कंफर्म अलॉटेड सीट तो रहती नहीं है, यह भी हो सकता है एक टिकट आप बुक किए चार पैसेंजर को दे दिए कि भाई लो ट्रेवल करो, तो ऐसे में क्या होगा कि भाई यार फ्रॉड तो होने लगेगा ना भाई। यदि ऐसे में अलाउ कर देगी सरकार कि भाई ऑनलाइन की वेटिंग टिकट लेकर आप ट्रेवल कर सकते हैं तो ऐसे में एक वेटिंग टिकट आप बुक करेंगे और एक वेटिंग टिकट बुक करने के बाद में अब वही टिकट जो है तीन चार पैसेंजर को दे देंगे तो यदि तीन चार पैसेंजर को दे देंगे तो भाई ऐसे में तो फ्रॉड होने लगेगा और सरकार जो है घाटे में चले जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है कि ऑनलाइन की ही वेटिंग टिकट लेकर कोई यात्रा नहीं कर सकता है और वैलिड नहीं होता है और किसी को यात्रा करने नहीं देते हैं ताकि रेलवे गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड ना हो पाए। और हाँ, मैं आपको बता दूं, यदि आपका ऑनलाइन ई वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली कैंसिल होकर आपके बैंक अकाउंट में रिफंड जो है वापस आ जाता है। फिर बस आज की इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना?